हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर समझ आ चुका होगा, आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पर, किस विषय पर होने वाला है। आज एक बहुत बड़ी खबर जो है आपके सामने आई हुई है। डिटेल से एक एक पॉइंट को समझेंगे लोग और अच्छे से जानेंगे लोग कि आखिर जो डोमिसाइल का मुद्दा चल रहा है इसका अंत क्या होने वाला है, क्या सच में लागू होगा नहीं होगा, ये सारी बातें पर हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। आखिर बिहार के स्टूडेंट आखिर क्यों मांग करने लगे, क्या वजह था। वजह बहुत जेन्युइन है, वजह आप लोग खुद सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। चाहे किसी भी स्टेट के हों, अपने बिहार के हो या अदर स्टेट वाले हो, आप ध्यान से पहले पूरी वीडियो को देखिएगा, मुद्दा क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए सबसे पहले यहां देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर 9 को बिहार बंद का आह्वान है। मतलब 9 तारीख को बिहार बंद करने की जो है सूचना दी गई है छात्रों द्वारा, जो है कि हम लोग बिहार बंद कर रहे हैं लो 9 सितंबर को। यह बात कहा गया है युवा छात्र छात्राओं द्वारा, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां एक ही वर्ड से आप लोग स्पष्ट समझ आ जाएगा। शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के बाद विरोध। ये जो वर्ड लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा, ये जो वाक्य लिखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। मतलब ये अपने आप में सेंटेंस बता रहा है कि कितनी बड़ी फर्जीवाड़ा हुई है। कैसे, सिंपल समझिए। यहां कह रहा है क्या, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने, आप बात समझ रहे हैं क्या क्या कहा गया है, थोड़ा सा समझिएगा। मान के चलिए कि एक 10,000 सीट ने सरकार ने निकाला, 10,000 सीट कहा कि भैया 10,000 सीट में जो है 7,000 में अदर कास्ट वाले हैं। क्या है, 7,000 में अदर कास्ट वाले, यानी कि ओबीसी एससी एसटी है कि नहीं है, वो लोग हैं, ठीक है। बच गया 3,000 में कौन है, 3,000 में जनरल है, 3,000 में जनरल है। और आपको हर किसी को पता है कि जनरल सीट में ही अदर स्टेट वाले आते हैं, यानी अदर स्टेट वाले ओनली जनरल सीट में ही फाइट करते हैं, ठीक है। अब 3,000 मान के चलिए कि ओनली जनरल सीट के लिए है, एक अनुमान के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब इस 3,000 में अपना बिहार का भी है और ऑल ओवर स्टेट का है, जो भी स्टेट वाले लोग हैं पूरे इंडिया का है, ठीक है। इसी 3,000 में, कहने का मतलब की, ठीक है, मतलब एक अनुमान बताया जो 30% में, उतना रहता भी नहीं है लेकिन एक बता रहा हूं 30% में, ठीक है। तो इतने परसेंट में, मान के लिए वो 3,000 सीट में, अगर 3,000 भी अदर स्टेट वाला ले लिया, ये भी फर्जीवाड़ा है। कैसे संभव है, क्या बिहार के स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं? अरे हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में है और जॉब लिए हुए टीयर 1-2 में, है कि नहीं है। तो पूरी की पूरी 100% तो अदर स्टेट वाले लेके जा नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। अदर स्टेट वाले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी खुद बताइएगा क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर इस न्यूज के हिसाब से देखा जाए, इस 3,000 से प्लस हो गया, जो कि कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर, बाहरी अभ्यर्थियों की, बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर, यानी 3,000 प्लस, यानी जो सीटें है उससे भी ज्यादा ज्वाइनिंग हो गई है बाहरी स्टेट वाले, यानी कि जनरल के भी खा गए सीट और ओबीसी एससी एसटी में भी घुस गए हैं। तो इसको फर्जीवाड़ा नहीं, भयानक फर्जीवाड़ा कहेंगे। और ये सब किसकी गलती है, आज से 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आयोग जो है भारी लापरवाही की थी 1 और 2 में, टियरी 1 और 2 में आयोग ने भारी लापरवाही किया था। एक एक पॉइंट को मैंने समझाया था, फिर आपको बताऊंगा कैसे। यहां समझिए, यहां आजिए। अब ये चीजें जो दी गई है कि भाई उनकी संख्या बढ़ गई है, अगर ये जेन्युइन सही में बढ़ा हुआ है तो कितनी बड़ी लापरवाही और कितना बड़ी फर्जीवाड़ा है, कैसे पॉसिबल है भाई। अभी कैसे पॉसिबल हुआ, मैंने पिछली आपको वीडियो में बताया था कि फर्जी निवास, फर्जी जात, जाति प्रमाण पत्र, फर्जी ये आपका दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट, सब ये बना बना के अदर स्टेट वाले, इवन बिहार के कुछ लोग जो है, खासकर ज्यादातर अदर स्टेट वाले लोग जो है, ये बनवा बनवा के फर्जी ज्वाइनिंग किए हैं। और ये कैसे हुआ, हड़बड़ी की वजह से, आयोग को जो है हड़बड़ कर रहा ज्वाइनिंग, और रिकॉर्ड बना रहा था कि भाई हम इंडिया में सबसे तेज ज्वाइनिंग करने वाले हैं, तेज ज्वाइनिंग किसी तरह कर दीजिए, ज्वाइनिंग सबसे तेज रिकॉर्ड ही बनाना है ना, जिसको मन उठाइए डाल दीजिए, ना वेरिफिकेशन ना कुछ भी। यहां तक सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहले वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए तब जाकर ज्वाइनिंग होनी चाहिए, है कि नहीं है। उसके बावजूद भी आयोग ने किया खूब बढ़िया से। क्या मजबूरी थी आयोग की, सरकार का दबाव था या कुछ और दबाव था, समझ रहे सारी बातें को, है कि नहीं है। हर चीज तो बोला नहीं जा सकता कि ऐसे ज्वाइनिंग हुआ है कि आए दिन पकड़े जा रहे हैं, आए दिन 10 को निकल रहा है लोग, है कि नहीं है। ये हर रोज ये मामला हो रहा है और क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं, दबाव की भाई साहब ढिडोरा पिटना है कि सबसे जबरदस्त हम ये किए हैं,
भले किसी तरह ठूस दिए लेकिन हम ये सबसे बेस्ट किए हैं, इसका पूरी जबरदस्त ढिंडूरा हो रहा है। इस वजह से आगे सुनिए, छात्र छात्राओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। ठीक है, बीपीएससी की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के चयन को लेकर इनमें नाराजगी है। क्या भैया? इनमें जो है नाराजगी है, नाराजगी। इसके लिए अब तीसरे चरण का परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है, की जा रही है। पिछले दिनों में युवाओं ने पटना में आयोग के कार्यालय का समक्ष प्रदर्शन किया था, यानी पटना आयोग जो है उस कार्यालय के पास प्रदर्शन हुआ था। इसको लेकर पुलिस लाठीचार्ज करके इनको हटा दी थी। अब यहां समझिए, अभ्यर्थी परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर बड़ी संख्या में नियुक्त हो गए हैं। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बन रहा है, इसके साथ साथ फर्जी जाति प्रमाण पत्र भी बना था। कैसे हुआ था, मैं पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारी लड़कियों ने क्या किया था, यहाँ पे शादी हुआ है यानी अपने ससुराल का, जैसे बिहार उनका ससुराल है, मायके उनका अदर स्टेट है, उन्होंने क्या किया, यहीं से अपना जाति निवास बनवा के बिहार का छूट ले लिया, जो कि बिहार छूट देता है। सीटेट में भी आपका 90 से भी थोड़ा कम है, यानी 82, 83, 84, 85 है तो भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपको दे देता है छूट लड़कियों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, है कि नहीं है। और उसके बाद जो है, और ये ज्वाइनिंग प्रक्रिया में भी बिहार की लड़कियों के छूट था, अदर स्टेट वाले की तो थोड़ी छूट था, अदर स्टेट वालों को तो जनरल में जाएंगे, तो सब छूट के चक्कर में भारी सर्टिफिकेट का हेरा फेरी हुआ, खूब हुआ ज्वाइनिंग। ये पिछली वीडियो में स्पष्ट कहा था, ये चीजें यहाँ पर मामला खुल खुल के एक एक करके आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी कहा था कि भाई जो है नियमों में अनदेखी नहीं होनी चाहिए। यहां देखेंगे एक बार, सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक मामला चलाता, कौन सी मामला, तो सुप्रीम कोर्ट बनाम जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 में मामला चलाता, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट से पहले पूरी की जानी चाहिए, पूरी यानी कि जब आप किसी को भी ज्वाइनिंग दे रहे हैं उससे पहले स्पष्ट कर लीजिए कि डॉक्यूमेंट जो है पूरी तरह से मैंने जांच कर लिया है। यहां क्या हुआ, अपने बिहार में पहले ज्वाइनिंग कराएगा, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। जो पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ना, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं, मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद गया था साथ में, बहुत सारे लोगों को लेके गया था, उनसे बातें किया था जिनकी वेरिफिकेशन हो रही थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने कई बार बोला हूं कि मेरी अपनी खुद सिस्टर जो है उसकी ज्वाइनिंग हुई है इसके पिछले बार में, ठीक है, और जो है मेरे एक चचेरे भाई उसका भी ज्वाइनिंग हुआ है। बहुत सारे मेरे जो लोग थे अपने, खास स्टूडेंट तो अलग थे लेकिन जो मेरे अपने घर के थे उनके साथ मैंने गया हुआ था, उनसे पूरी स्पष्ट बात की थी, कुछ नहीं जाँच हो रहा था, कुछ भी नहीं, कोई ऐसे जाँच वाच नहीं, कुछ नहीं हो क्या रहा था। मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ था, जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाला था ना ऑनलाइन, उसी डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे कि आपके पास है कि नहीं है। भाई जो बनवाया है वो जाली बनवाया या ओरिजिनल बनवाया है, वही डाला होगा तो वही दिखा देगा। अब जांच ये ना करना है भाई ये कैसे बना है, निवास कैसे बन गया इसका, जाति कैसे बन गया, दिव्यांग कैसे बन गया, कहां से बना, किसने इसको अप्रूव करा, है कि नहीं, इसकी वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं हुआ। बहुत रियली बता रहा हूं, नहीं हुआ। अब होता क्या ना, ये चीजें पहले भी मुद्दा उठाई जा रही है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बोल रहा हूं, एग्जाम से पहले TRE 1-2 में बहुत मुद्दा उठाया गया था, लेकिन वही अतुल प्रसाद जी जो हर बार आते थे मीडिया के सामने हल्ला करना शुरू करते थे, क्या करते थे, एक तरह से सही बात बोला जाए भले बुरा लगेगा लेकिन धमकाते थे, क्या किए, उनको बैन कर दिए, बहुत सारे बच्चों को बैन कर दिए कि एग्जाम नहीं देने देंगे, लाइफ में कभी भी एग्जाम नहीं दे पाएगा, लोग एक तरह से डराया गया ताकि आवाज नहीं उठाए। लेकिन जितने भी आवाज उठाया गया था वो सब के सब एक एक करके सत्य हो रहे हैं। कहा बच्चों ने कहा था कि फर्जीवाड़ा हुआ है, क्वेश्चन लीक हो रहा है, जो है अंदर अंदर से सेटिंग हो रहा है, सब हुआ कि नहीं हुआ, आखिर पता चला कि नहीं पता चला कि सॉफ्ट कॉपी गायब हो जा रहा है पेन ड्राइव में से, हुआ कि नहीं हुआ, हर चीज धीरे धीरे आया। और ये चीजें पहले भी आवाज उठाई गई थी लेकिन आवाजों को दबा दिया गया था। क्या वजह था दबाने का, ये वजह भी धीरे धीरे सामने आ रहा है खुल खुल के कि कितना पैसा का गेम हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, अपना तो आदमी भाग गया लो लेकिन बीच में सबको परेशान करके गया लो, है कि नहीं, ये सच बात है। अब यहां देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेपर खुद कह रहा है, न्यूज खुद बता रहा है, यहां देखिए ध्यान से। अब ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, पहले भी ऐसे मामला आ चुका है, उसके बाद कह रहा है कि फिर भी बिहार लोकसभा, यानी ये
मामला 2019 में हुआ था, उसके बावजूद भी बिहार लोक सेवा आयोग व शिक्षा विभाग ने, शिक्षा विभाग के हेड के पाठक जी है ना, पूरा एकदम बवाल मचले रहते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देंगे। ध्यान क्या देना है उनको पता है, ठीक है। लोक, ये बिहार लोक सेवा आयोग के अतुल प्रसाद जी, ये भी बवाल करते थे टीआरई 1-2 में, लेकिन ध्यान क्या देना उनको नहीं पता था। ये सिर्फ यही ध्यान देना था कि कैसे किसको बैन करना है, किस तरह से करना है, ये दोनों लोगों का यही काम था बस, ठीक है। किसको कैसे मुंह बंद कराना है ये खूब अच्छे से जानते थे, लेकिन अंदर कैसे जांच होनी चाहिए, हर चीज को एकदम निष्पक्ष कैसी होनी चाहिए। भाषण बहुत अच्छे देते हैं दोनों आदमी, है ना, दोनों आदमी का प्रेजेंटेशन होता ना बहुत जबरदस्त होता था। हर रोज न्यूज के सामने आना, एकदम कहना कि हम ये बेस्ट है ना, हम जितना तेजी करा रहे वो कोई नहीं करा सकता है, ये बहुत अच्छा था, ठीक है ना। बिहार लोक सेवा आयोग का हो या शिक्षा विभाग का हो, ये दोनों ने मनमानी तरीके से ये पेपर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके हिसाब से कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीधे सीधे कहा जा रहा है, मनमानी तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए रिजल्ट जारी कर दिया, स्पष्ट कहा गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि टीआरई 1 और 2 में बड़ी संख्या में फर्जी अयोग्य अभ्यर्थी बहाल हो गए, होने की आशंका नहीं, ये कह रहा पेपर की हो गए भाई। ये चीजें मैं कब से बोल रहा हूं, ये चीजें कब से आप लोगों को बताया जा रहा है, कितना बार मैं बोला था कि बहुत भारी संख्या में गड़बड़ी हुई है, हर बार मैं बताता था, आखिर आ रहा, खुल रहा, धीरे धीरे पन्ने खुल रहे। अब बताइए कि एक बिहारी स्टूडेंट क्यों ना मांग करे डोमिसाइल का, भाई क्या क्या करके, पता नहीं क्या कैसे ज्वाइनिंग हो रही है अदर स्टेट वाली या किसी का भी, भरते जा रहे यहां के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जितना सीट है अदर वाला उससे ज्यादा ज्वाइनिंग हो गया, बिना डॉक्यूमेंट्स का ज्वाइनिंग हो गया, डॉक्यूमेंट्स कहीं से उठा के कहीं ला के दे दिया हो गया, आपको बताया। लेकिन ये चीजें मैं वीडियो पर नहीं बोल पाता हूं क्योंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन जाएगी, लेकिन हुआ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं हुई, हर चीजें नहीं बताया जाता क्योंकि एक आदमी चलता कि अपना चल रहा है चलने दीजिए, बहुत सारे बच्चों ने हिम्मत करके आवाज उठाया, क्या किया गया उनके साथ आपको पता है, बैन कर दिया गया, इधर जाके उनको छोड़ा गया कि आप एग्जाम दे सकते हैं। जब जांच शुरू हुआ था ना तो फटाक फटाक सब बच्चों सबको छोड़ दिया गया, उनको बैन हटा दिया गया कि आप एग्जाम दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, उससे पहले नहीं तो वही स्टूडेंट जो है अपना केस लड़ रहा था, लोग हाई कोर्ट में केस किया था लोग कि हमको काहे बैन किया गया था, है कि नहीं है, अब फटाक से हटा दिए, नहीं हटाया रहा था तो हाई कोर्ट बता दिया रहता इन लोगों को कि भाई तुम खुद फर्जीवाड़ा किया, उसको बैन कैसे कर दियो। हर तरह का मामला पकड़ाया 1-2 में, हर तरह का मामला पकड़ाया, 3 में तो पेन ड्राइवे मिल गया, क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर, हार्ड कॉपी के पूछता है, सॉफ्टवेयर को भी गायब हो जा रहा है, कहां से, तो आयोग से गायब हो जा रहा है, ये स्पष्ट लिखा हुआ था पेपर में, खूब बवाल हुआ लेकिन मामला शांत हो गया। क्यों, सिंपली बात है, हर कोई समझ रहा है क्यों, है ना, क्या दबाव रहता है, क्या नहीं रहता है, कौन कौन मिले रहते हैं, क्यों दब जाता है, आखिर किसी का कहां पकड़ाया, है कि नहीं है, पूरा एकदम जांच हो रहा था जबरदस्त तरीके से, हर रोज मालूम चल जाता कि ये मिला है, आयोग के भीतर के बहुत सारे लोग है, कहां किसी भीतर वाले लोगों का नाम आया, कहां किसी का फ्रंट में दिखाया गया कि भाई आदमी है, कितना बवाल कटा गया, है ना, बहुत सारे लोग इल्जाम लगा, इवन अतुल प्रसाद पर भी, उनके पर भी क्या बोला गया था, मतलब इल्जाम लगाया गया था कि वो भी ऐसे ऐसे मांग डिमांड किए थे, क्या हुआ उसका, कुछ भी पता नहीं चला, सच था झूठ था, अब हमें नहीं पता क्या था नहीं था, लेकिन कुछ पता चला आपको, कुछ नहीं पता चला, सारे बात ठप हो गए। आखिर ये तो मिला था ना, पेन ड्राइव मिला था, स्टूडेंट पकड़ाए थे बस के अंदर, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सारे मामले ठप हो गए। इसी वजह से बिहार के स्टूडेंट जेन्युइन मांग कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या, ये चीजें डिपेंड करती है सरकार के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, और हमारी पार्लियामेंट जो है, यानी हमारी जो संविधान कह रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और हमारे हिसाब से क्या है मैं नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि पता है हमें क्या लागू होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस पर दिक्कत होगा, बहुत सारे बच्चों को खराब लगेगा, लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताइएगा एकदम सोच समझ के, क्योंकि आप टीचर है, एक आने वाले समय का एक भावी टीचर बनने वाले हैं, एक सोच समझ के बताइएगा, क्या डोमिसाइल पूरी तरह से लागू होनी चाहिए, क्या कुछ जो कंडीशन में लागू करनी चाहिए कि भाई 10% फिक्स करो, उससे 11% नहीं होनी चाहिए, 5% फिक्स करो, 10% 20% कुछ भी ऐसे फिक्स कर दो कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए अदर स्टेट वाली की इसमें बहाली, नहीं अगर हो रही है तो पकड़ाएंगे जाएंगे, या पूरी तरह से बंद कर दे,
है ना, तो 100% डोमिसाइल या बताइएगा कि कितनी डोमिसाइल है, यानी 100% डोमिसाइल या 90% डोमिसाइल चाहिए, 10% किसी को छोड़ दिया जाए, आप अपनी बता सकते हैं विचार, क्योंकि आप जो है समय के आने वाले समय के शिक्षक हैं और आप लोग जो है इस ये प्रक्रिया में प्रयासरत रहे हैं कंटिन्यू, तो आपकी विचार ज़्यादा बेहतर है। हमारी विचार से क्या मतलब है, विचार आपकी ज़्यादा बेहतर, आपकी विचार मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल है, आप अपने विचार रख सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना डोमिसाइल लागू होनी चाहिए, और मैं कभी स्पष्ट बता दूंगा, ठीक है। अभी ये मुद्दा होने दीजिए, 9 तारीख को जो आंदोलन है इसको होने दीजिए, लोग बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं उनको करने दीजिए, अभी बताना सही नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये चीज़ें स्पष्ट बोलना सही नहीं रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। आप जो है अपनी विचार बताइएगा क्या होनी चाहिए, और ये चीज़ें बहुत रियली बात है, जेन्युइन बात है कि गलत हुआ है, अदर स्टेट वाले भी ये बात को समझ रहे होंगे कि सच में गलत हुआ है। हम बहुत सारे अदर स्टेट वाले जो लोग हैं वो ईमानदारी पूर्वक ज्वाइनिंग ले रहे हैं, आगे भी लेंगे, लेकिन जो है जैसे भी अगर आयोग मतलब कि सरकार जैसे भी फैसला लेगा, मौका देगा, तो वो लोग लेंगे ज्वाइनिंग अच्छे से, लेकिन जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं चाहे वो बिहार के हो या किसी भी स्टेट के हो, इस पर जो है सरकार को आयोग को पूरी बेहतर तरीका से जांच होनी चाहिए। कैसे पॉसिबल हो जाता है ये सारी चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही कैसे पॉसिबल होता है ना, है कि नहीं है। अब इसमें क्या बोला जा सकता है, दुनिया में कहावत है बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बस उसके आगे कुछ ना बोला जा सकता है ना बताया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बातें समझे होंगे, ये आज का न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, जानने वाला था कि क्या वजह है और इसके वजह से क्या होगा कि लेट होगा अभी भी TRE4 का। ये चीज़ें आज से नहीं, 3 महीने पहले से मैं बोल बोल के थक गया हूँ, हर रोज़ मेरे पास व्हाट्सएप आप लोग कमेंट करते हैं, जो भी लोग हमारे साथ जो बैच में जुड़े हैं उनको हबड़ाहट होती है कि एग्ज़ाम सर बहुत तेज़ी होने वाला, TRE4 नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। आप बात को मानिए, ये चीज़ें 3 महीने पहले से बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं हुआ था तब से बता रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं पता था रिजल्ट कब आएगा आप लोग का TRE3 का, तब से मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। हालांकि मैं ऑनलाइन बहुत कम ये चीज़ें बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें जो है ना सोच समझ के बोलना पड़ता है, ऑफलाइन बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, आप सभी बताइए, कमेंट कीजिएगा कि आपसे मैंने 3 महीने जब एग्ज़ाम जो चल रहा था ना उससे पहले से मैं बता दिया था कि TRE4 का क्या अनुमान है, कब तक होने वाला है ना। ये भले आप कहिएगा कि ये चीज़ें होने लगी वो चीज़ें होने लगी, नहीं यार ये सब चीज़ तय रहता है, वो चीज़ें वो सिर्फ आप लोग को फुसलाने के लिए कहा जाता है कि अगले महीना 10 दिन 15 दिन 5 दिन में, ऐसे नहीं कुछ होता है, वो सब चीज़ फिक्स रहता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बातें समझे होंगे, और अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने विचार को जरूर रखिएगा, आपके विचार जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और उम्मीद कर रहा हूँ सारे बेहतर चीज़ें आपको समझ आई होगी। घबराना नहीं है, टेंशन फ्री रहना है, आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहिएगा, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप लोग निश्चिंत रहिए, चीज़ें बहुत बेहतर ढंग का तरीके से हो जाएगी आप लोग की, ठीक है। बहुत समय अभी, और डेली हम लोग लाइव आते हैं लोग 8 बजे, इससे रिलेटेड हो या क्वेश्चन जो हम लोग सेट कराएंगे लोग, उसमें जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस तीनों जो है हम लोग 8 बजे शाम में लाइव आते हैं लोग पर डे, और मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करते हैं लोग, उसमें अच्छे से डिटेल से डिस्कशन होती है, बड़ा मज़ेदार क्लास चलता है, आपसे भी अगर जुड़ना चाहते होंगे तो डेली जो है 8 बजे लाइव आके किसी भी बात को पूछना होगा, 8 PM जो है 8 PM लाइव आके आप लोग वहां पर लाइव में जुड़ के हमसे बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हर चीज़ों को, क्या है कैसे है, बेहतर लगेगा। तो फिर आप लोग बैच में ज्वाइन कीजिएगा जो नए स्टूडेंट है, तो 8 बजे लाइव जुड़ना ना भूलिएगा, यहाँ हर चीज़ आपको बताया जाएगा, बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है, आप एक बार यहाँ पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, उसको लिख भी दिया हूँ कि 8 PM लाइव प्रैक्टिस सेट, प्लेलिस्ट में जाइएगा वहाँ मिल जाएगा, कुछ क्लासेस चले हुए हैं है ना, अभी 6-7 क्लास चले हुए शुरू मैं जस्ट किया हूँ, और ये एग्जाम तक आपका प्रैक्टिस चलते रहेगा बहुत बेहतरीन तरीका से। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें बेहतर लगा होगा, फिर किसी दूसरे क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।